पापा की बहुत तबीयत खराब हो रही है, मुझे पैसे दे दो ना आप। यार मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, मेरे सिर पे कर्जा ही कर्जा हो गया है। तुम एकदम से कह रहे हो कि 40,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखो बहुत देर हो गया थप्पड़ मारते हुए, मार क्यों रही है उसको, कौन से हॉस्पिटल में तेरा बाप है? अबे बुर्का कहाँ है तेरा, इस हालत में तू कौन सा आईसीयू में है? वाली साहब को मरे हुए 2 साल हो गए। अपनी बहन को संभालो ना, किस बात के पैसे मांग रही मरे हुए बाप के? अबे किस बात की संभाल है, तुझसे पैसे मांगेगी? साले तेरा हुलिया है इसलिए। हुलिया? अरे देख मत मेरी हुलिया। कितने बड़े घर की है वो, तुझे पता है? तुझे पता है मेरा बैकग्राउंड क्या है? औकात है हमारे सामने खड़े होने की? औकात की बात मत कर, तू लेवल का भी नहीं है। अबे तू करेगा कॉलर छोड़ के बात कर, ठीक है ना? अपने बहन को बुला यहाँ पे, मैं बुला उसको। आज के बाद अगर तूने उसका नाम ले लिया ना तो साले यही जमीन में गाड़ दूंगा। जमीन में गाड़ेगा तू? इतनी औकात है तेरी? अपनी बहन को संभाल। साले तेरे जैसे नौकर है मेरे घर में, औकात की बात कर रहा है? अच्छा नौकर है, जब भी आके यहाँ मुंह करे। जैसे 8-10 नौकर रखे हमने अपने घर में, होंगे तो उसको संभालता, उसको संभालना फिर अपनी बहन को। अबे वो संभली भी है। अरे घंटा बार बार उसका नाम मत ले, बता रहा हूँ समझा? मेरे साथ रही है, मैं बार बार नाम लूंगा। तू रहेगा दूर, तू रहेगा। अरे भाई यार क्या यार, लड़ने के लिए आ रखे हो गया तुम लोग? अरे मेरी बहन का नाम ले रहा बार बार यार ये, मैं झूठ बोल रहा हूँ? किस बात के पैसे दूँ? अबे तेरे से क्यों मांगेगी वो? मैं झूठ बोल रहा हूँ ना? तेरे से क्यों मांगेगी? बहन बोलेगी उसके मुंह से सुनियो, ठीक है ना? क्यों मांगेगी तेरे से? भाई मैं को एक बात बताओ, तुम्हारे बाप है, तुम्हारा बाप है कि नहीं है? यार मेरे बाप को तो मरे हुए 2 साल हो गए। तो मरे झूठ बोल रहा है? अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू अपनी बहन को पहचानते हो ना? अरे बहुत अच्छी तरीके से। ये तुम्हारी बहन है इन हाथों में? तुम्हारी बहन हाथों में पाला है भाई साहब, फोटो देख लो, बहन ही है ना ये? तुम्हारी बहन है ना? हाँ मेरी बहन। ये देख लो भाई, जूम करके दिखा। ये देखो ना भाई, जूम कर इस पे। तुम्हारी बहन है ना ये? है बहन आपकी? किसकी बहन है भाई? बहन तो मेरी है। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहाँ से बहन? कॉलर पे कर रहे हो मेरा? जब अपना कुछ खराब होता है ना भाई, घर से तो वो बुर्का पहन के जाती है। जब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ उसको। जब अपने कर्म अच्छे नहीं होते ना तो दूसरे की ग्रेवान नहीं पकड़ते। अब आप चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो अपने नहीं, आप बहुत बेइज्जती करोगे। हो मेरे, इसलिए शर्म कर रहा हूँ तुम्हारी। बहुत बेइज्जती हो जाएगी आपकी। कैमरा स्टार्ट हो गया था शायद, कैमरा स्टार्ट था ना भाई? देख लिया यहाँ पे क्या चल रहा था यहाँ पे सब कुछ। इसकी जो बहन है, मतलब इसके बाप को मरे हुए 2 साल हो रखे हैं, और इसकी बहन जो है इसकी गर्लफ्रेंड है, और इसके भाई को ये नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। और फोटो हमने अभी आपको भी दिखाई है प्रूफ के तौर पे। ये भाई साहब कहते हैं कि घर से वो क्या पहन के निकलती है? बुर्का पहन के जाती है। बुर्का पहन के निकलती है, और यहाँ पे वन पीस शॉर्ट्स वगैरह में इसके साथ डेली 1 साल से मिल रही है। और 1 साल में भाई आप भी देखो, छोटे बच्चे होनी ना, मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे बात सुनो। अपनी बहन को बेटी की तरह, बेटी की तरह पाला है ना। आपको माहौल का पता है कि 1 साल अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो क्या कुछ हो सकता है। देखो अभी तो आपको प्रूफ पता ही लग गया, आप अपनी नजरों में खुद गिर गए हो भाई। आप मेरा कॉलर पे कर रहे थे, आपको किसी ने गिराया नहीं, आपसे हम इज्जत से बात कर रहे थे, समझा रहे थे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप सुन लो 2 मिनट शांति रखो। लेकिन भाई साहब में सब्र नहीं था, भाई साहब ग्रेबान पकड़ रहे हैं उसका। ये समझा भी रहा है कि भाई एक बारी मेरी बात सुन लो, अब 1 साल में क्या क्या हो सकता है वो आपको भी पता है अच्छे से, ठीक है? तो उन चीज़ों पे आप ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा लगेगा। अब आपकी जो बहन है ना, वो मरे हुए बाप के लिए 40,000 रुपये मांग रही है, और वो यूं कह रही है कि मेरा बाप जो है आईसीयू में। भाई मेरे बाप को तो, हमारे वालिद साहब को तो मरे हुए 2 साल हो गए, वो कैसे मान लेगी इससे पैसे? भाई एक मिनट मैं झूठ बोलूंगा? तो मैं उसकी तो सारी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जितनी भी उसकी करना है वो सब मैं करता हूँ। जो भी परेशानी होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है घर में, वो सब मैं हैंडल करता हूँ, और उसको हर तरीके से खर्चा देता हूँ घर में। और भाई हमने इनको यहाँ पे बुलाने में, मतलब इन्होंने यूँ बोला कि भाई मैं आऊँगा रोज़ा खोलने के बाद आऊँगा, मतलब 7:45 के बाद आऊँगा। लेकिन हमने इसको बहुत भाई को रिक्वेस्ट करी कि भाई आप उससे पहले आओ, क्योंकि लाइट वगैरह भी नहीं होती, वीडियो बनानी मुश्किल होती है, और ये भाई जो है बहुत टाइम से परेशान है। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया, पहले आपको समझाने के लिए, बातें बताने के लिए, प्रूफ दिखाने के लिए। आप मान नहीं रहे थे, इसीलिए हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी पड़ गई। अब वो देखो घर से बहन तुम्हारी क्या पहन के निकलती है, यहाँ पे इसके साथ कैसे मिलते हैं, हमें नहीं पता। पहन के निकलती है देखो दोस्त, और उसने मुझे बताया कि मैं भाईजान में जा रही हूँ घर। देखो मैं ना किसी के जाति मामले में पड़ता नहीं, कौन क्या करता है, कौन क्या पहनता है, ठीक है, समझ रहे हो आप? लेकिन अब आपने फोटो देख ली, अभी आपकी बहन यहाँ पे आ रही है इससे पैसे मांगने के लिए कि मेरा बाप हॉस्पिटल में, मुझे पैसे चाहिए। अब एक बात बताओ, कोई बेटी अपने मरे हुए बाप के लिए कैसे पैसे मांगे? भाई हमारे घर में किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं, तो वो क्यों अल्लाह का करम है?
हर चीज है। नहीं तो वो ऐसे क्यों कर रही, बाहर उससे ज्यादा दे रखा है। वो बाहर निकलती है कोई और कपड़े पहन के निकलती है, और घर में आप कह रहे हो कि पैसे का मतलब ऊपर वाले का सारा शुक्र है, हर चीज भगवान का दिया हुआ सब कुछ, सब है, कुछ है, उसके बाद भी वो पैसे क्यों मांग रही है बाहर से, इसको ऐसा क्यों से खर्चे है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, नशे नशे वगैरह का सुनोगे क्लब जाती है, क्लब मेरे साथ कभी क्लब गए बता रहा हूँ ना भाई, कभी क्लब दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, क्लब की वीडियो दिखा रहा हूँ भाई, सब कुछ है मेरे पास, मैं तो प्रूफ रख रहा हूँ भाई इस चीज के लिए, मुझे पता था कल को ऐसा होने वाला है, जो अपने भाई की है, बाप माँ बाप की नहीं, मेरी क्या हो जाएगी भाई, दिखाता हूँ क्लब में गई है मेरे साथ, ये क्लब की वीडियो है भाई, ये देखो दे दे एक बार, कोई नहीं कम कर देंगे, ये वाली वीडियो है ना? हाँ यही है भाई। ये कौन है, आपकी बहन है? भैया जूम करना इस पे एक बारी, जूम करो इस पे, देखो ये कौन है, ये वही लड़की है जो इसकी गर्लफ्रेंड है और इसकी बहन है, जो मरे हुए बाप के लिए पैसे मांग रही है क्लब में डांस करते हुए, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी बहन जो है क्लब भी नहीं जाती। भाई साहब एक साल से इतने खर्चे उठाए ना उसके, इतने उठाए ना, एक बार कर्जे में आ गया हूँ। एक बार बताऊँ, आपने पूरे तरीके से जलील तो हो चुके हो, सुनो अब आप जितना अपने आप बातें संभालोगे जो करोगे आप उतने गिरते जाओगे, उतने जलील होते जाओगे, तो मेरे हिसाब से आप जो है ना यहाँ से अभी चले जाओ, आपकी बहन आने वाली है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पे, वो जो भी बातें होंगी आपके सामने होंगी, सही टाइम देख के मैं आपको बुला लूंगा, उसके बाद आप अपनी बहन से उसका क्या हाल करना है कैसे करना है वो आप देखना, हड्डी पसली एक कर दूंगा अगर ऐसा हुआ भाई, जो भी करना कर लेना, मैंने सब कुछ दिखा दिया, आप अभी यहाँ से चले जाओ, अगर उसने आपको हमारे साथ बैठे हुए देख लिया ना फिर दिक्कत हो जाएगी, आप आने वाली है यहाँ पे? हाँ आने वाली है, मैं देखता जाओ बता। तो भाई आपने सारी चीजें देख ली, भाई के पास सारे प्रूफ थे, फोटोज वीडियोज, एक साल से मिलना, सारी चैटिंग पड़ी हुई है, कहाँ कहाँ तक गए ये सारी चीजें देखो, मैं उसकी पर्सनल लाइफ को नहीं बोलना चाहूंगा लड़की की, वो कहाँ कहाँ गए क्या क्या करा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी है भाई आप सभी के सामने, तो चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड। हेलो बाबू कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और बताओ? कुछ नहीं, पापा की बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो रो क्यों रही है, तबीयत खराब है तो पागल क्या हो गया बताओ? मैंने तुमसे बोला था ना दो दिन पहले ही। तो यार मैं देखो नहीं हो पा रहा, मुझसे बताओ ना मैं क्या करूँगा, मुझे पैसे दे दो ना आप। यार मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। यार तुम्हारी बात ठीक है, पैसे चाहिए ऑपरेशन के लिए, पर एक बात बता रहा हूँ मैं कहाँ से लाऊं इकट्ठे एक साथ इतने पैसे यार। तो तुम नहीं दोगे तो मुझे कौन देगा बताओ, मैं किससे कहूँगी? यार मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर आप तो समझो मेरी मजबूरी को, यार मेरे से नहीं हो पा रहा है पता, तुम्हारे खर्चे भी देख लो, किसी से बात करके देखो, किसी से अरेंज करके देखो। यार जब से मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आया हूँ ना मैं बहुत कर्जे में हो चुका हूँ पता है, तुम्हारे ये खर्चे इतना दुनिया भर के क्लब लेके जाना पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाना, जब से तुम आई हो ना मेरे सिर पे कर्जा ही कर्जा हो गया है। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब मेरी वजह से तुम्हारा कर्जा हो गया? बाबू तुम एकदम से कह रहे हो कि 40,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, तुम तो पापा की तबीयत खराब है, मैं बताऊँ कैसे कहूँगी? यार किससे मैं कहूंगी? समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन नहीं मैं किससे कहूँगी बताओ आप, मैं समझ रहा हूँ तो ना मेरे सब कुछ मैं तुमसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी बोलो। यार मैं समझ रहा हूँ लेकिन प्लीज मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ पता है, दो दिन में नहीं कुछ हो पाएगा यार, समझा करो बात को प्लीज बाबू, यार नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगा, तुमने मेरे को जहाँ भी बुलाया मैं वहीं आई ना, तुमने जब भी मेरे को बुलाया कि हाँ इधर आ जाओ कि यहाँ पे हूँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तब भी तुम्हारे पास आई, मैंने कभी तुम्हें मना नहीं किया, आज मुझे जब तुम्हारी जरूरत पड़ रही है तो तुम ऐसे मुकर रहे हो। यार तुम समझो ना बात को, मेरी बात को भी तो समझो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मेरे घर में कोई नहीं है तुम्हें पता है ना, पापा की तबीयत खराब है, मुझे पैसे चाहिए है। यार नहीं हो पा रहा, मुझे चाहिए है पैसे, नहीं हो पा रहा, मुझे हॉस्पिटल में पापा को वो कराना है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या समझो यार मेरे पास नहीं हो पा रहा, किससे कहूं बोलो ना यार, अपने भैया से कहो, किससे कहो, समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को? यार प्लीज कॉलर छोड़ दो, मेरा हाथ उठ जाएगा बेकार में, तुम मारोगे मुझे। हाँ कॉलर छोड़ दो ठीक है ना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, कॉलर छोड़ो, छोड़ो कॉलर, छोड़ो यार कॉलर छोड़ो ठीक है ना, नहीं छोड़ूंगी मैं कॉलर, अरे हद हो गई यार, मैं मार दूंगी सच बता रही हूँ मैं। हाँ तो कॉलर दोनों छोड़ दो ठीक है ना, मैं सही तो क्या समझ में नहीं आ रहा यार, नहीं आ रहा मेरे समझ में, देखो बहुत देर हो गया थप्पड़ मारते हुए यार, छोड़ दो, नहीं मैं ऐसी करूंगी अब, किस बात की पता, मैंने कहा तुम्हारे कर्जे ले रखे जो तुम्हें दूं, तो मुझे कौन हेल्प करेगा मेरी बताओ ना, मुझे कॉलर पकड़ोगी तुम, से ये प्यार करते हो तुम मुझसे, ये प्यार करते हो तुम मुझसे, ये प्यार करती हो, समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को? देखो बहुत देर हो गया मारते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो आप, तो मैं किससे कहूँ बोलो, मुझे नहीं पता किससे कहूँगी, मुझे नहीं पता, छोड़ो मैं किसी और से बोलूँ जाके, अरे यार
बदतमीजी बहुत हो गई, सुन लो मैं आपकी बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। बदतमीजी हो रही है, मैंने आपकी क्या बदतमीजी हो रही है यार, मुझसे आप दूर रहो प्लीज। मतलब तुम मुझसे वो मेरी बात समझने की कोशिश, मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। क्या नहीं किया मैंने, क्या नहीं किया है? जब से तुम आई मुझे मार रही हो, मेरा कॉलर पकड़ रही हो, मुझे बेइज्जती कर रही हो, तुमने क्या किया अब तक? जब से तुम यहाँ पे आई हो मेरे पास, मिलने के लिए नहीं आई हो, तुम मुझे मारने के लिए आई हो यहाँ पे, तुम पैसे लेने नहीं आई हो, पता नहीं किस जन का गुस्सा निकाल लो तुम मुझसे। गुस्सा निकाल रही हूँ मैं बिल्कुल, मैंने जो इतना टाइम तुम्हारे लिए हमेशा निकाला है वो चीज वो कहाँ गई? तो आज ताने दिए जा रहे हैं कि मैंने टाइम निकाला है, बहुत बढ़िया। मतलब मैं अपने घर से निकल के आती हूँ तुम्हारे लिए और तुम मुझे ये चीज बोल रहे हो? अच्छा बोलूँ ना, जब से तुम मुझे मारे जा रही हो, बताओ यार। यार अब तुम कहीं से भी लाके दो, कहीं से भी अरेंज करो, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं तुमसे बोल रही हूँ मैं पे कर दूंगी तुम्हें, पापा ठीक हो जाएंगे, मैं करवा दूंगी पे। यार नहीं हो पा रहे मुझसे, मैं किसके पैर में जाके गिरूँ तो बताऊँ? मतलब तुम मेरी इतनी सी भी मदद नहीं करोगे, है ना? यार अब तक मैंने हर चीज किया जो तुमने बोला, मुझसे वो नहीं हो पा रहा, तो बताओ मैं कैसे कर लूँ? तो किससे बोलूँ मैं जाके? यार अपने घर में तुम ही तो करोगे ना। हाँ अगर किसी भी लड़के से, लड़कों को तो तुम ही जानते हो ना, मैं तो नहीं जानती, मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूँ ना, मैं तो ट्रस्ट करके सिर्फ तुम्हीं से बोल सकती हूँ, तुम्हीं से लड़ सकती हूँ। तो ये है पैसे मांगने का तरीका आपका? तो और क्या कहूँ बताओ, नहीं देगा बंदा तो तुम कॉलर पकड़ लोगे, थप्पड़ मारोगे। करूँ क्या फिर मैं? अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, फिर ये सोच लेना। यार एक बात बताओ, उनकी डेथ के जिम्मेदार फिर आप होंगे? अच्छा पैसे अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो जिम्मेदार मैं होऊंगा? पापा आपके जी, खर्चा मैं झेलू? क्यों, तो मैंने जो इतना टाइम बिताया कि वो अभी बिताया मैंने तुम्हारे साथ में, भरोसा तुम पे ही करती हूँ ना, तुम्ही से तो बोलूंगी सारी चीजें। अच्छा भरोसा करती हो तो तुम ऐसे पैसे मांगती हो बंदे से? अच्छा तो मैं जब मैंने तो तुमसे बोल ही दिया था ना पहले ही, कोई मैंने ये तो नहीं है कि मैंने आज ही बोला है तुमसे कि मैं सडनली बोल रही हूँ कि हाँ मुझे पैसे दे दो। एक बात बताओ मुझे, मैंने एकदम बोला नहीं, मैंने पहले ही बोला था ना आपको, इन्फॉर्म तो किया था ना मैंने इस चीज के लिए कि पापा बीमार है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आपने बोला कि हाँ ठीक है मैं बात करके बता दूंगा तुम्हें। तुमने बात करने के बजाय तुमने मुझे दो दिन के बाद में मैसेज किया, बात तक नहीं की तुमने मुझसे। मतलब मैं इसीलिए यहाँ पे आपको मिलने के लिए बुलाया हूँ, बात करने के लिए बुलाया हूँ, ना कि मैं अपने आप को पिटवाने के लिए बुलाया हूँ यहाँ पे। अच्छा तो उसके अलावा तुमने मुझसे बात ही नहीं की यार, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। यार मैं क्या करूँ तुम्हें बता दो। नहीं अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी ये बता दो मुझे। यार ये तुम्हारे पापा तो मेरे कुछ नहीं है क्या? तो है, तभी तो बोल रही हूँ ना मैं तुमसे भी, यार तभी तो बोल रही हूँ ना कि मुझे पैसे चाहिए हैं। यार नहीं हो पा रहे पैसे, बताओ ना मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ मुँह रगड़ू? कौन से हॉस्पिटल में तेरा बाप? बाप कौन से हॉस्पिटल में तेरा? तू कौन है? तेरा बाप कौन से हॉस्पिटल में? तू कौन है? किस चीज के पैसे मांग रही है? ये हमारे आपस का मैटर है, आपस का मामला है, भैंसों को परेशान करती जा रही है, तू दिमाग खराब कर रहा है। क्या दिमाग खराब कर रही हूँ मैं बताओ? किस चीज के पैसे मांग रही है? नहीं तो मैं आपसे बोल रही हूँ, हॉस्पिटल में तेरे? नहीं तो तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने में? बाप तेरा कौन से हॉस्पिटल में? नहीं हम दोनों के बीच में बोलने वाले, बाप कौन से हॉस्पिटल में ये बता मेरे को, तू कौन होता है? बाप तेरा कौन से हॉस्पिटल में? हाथ ना देख रहे भाई, अकर देख रहे हो इसकी अकर, कौन सा तेरा बाप कौन से हॉस्पिटल में? किसी भी हॉस्पिटल में? किस चीज के पैसे भाई देख रहे हो? जब हॉस्पिटल में, तुम्हें कोई बता तेरा बाप कौन से हॉस्पिटल में? तू कौन है? इससे पैसे किस चीज से मांग रही है? तेरा बाप लग रहा हूँ, बकवास कर रही है यहाँ पे खड़े होके। भाई बहुत देर से मारे जा रही है, मारे जा रही है मुझे। क्यों मांग रही है? तेरा बाप हॉस्पिटल में, तो कौन सी हॉस्पिटल में तेरा बाप? क्या हो गया तेरे बाप को? क्या हो गया तेरे बाप को? क्या हो गया तेरी दिक्कत? तेरे बाप को क्या दिक्कत हो गई? तो ऑपरेशन कराना है तो पार्क में होगा तेरे बाप का ऑपरेशन? बकवास कर रही है, क्यों क्या बात कर रही है? उसके बॉयफ्रेंड है तेरा, क्या लग रहा है? फिर मार रही उसको, फिर मार रही, मार क्यों रही उसको, मार क्यों रही उसको, मार क्यों रही उसको? तेरे को समझा रहा हूँ ना, ढंग से बात कर, कौन से हॉस्पिटल में तेरा बाप? तुझे इससे क्या मतलब है? तेरा बाप तेरा बाप कौन से हॉस्पिटल में? मेरे को चुपचाप बता रही है कि नहीं बता रही? बाप कौन से हॉस्पिटल में तेरा? कौन से हॉस्पिटल में तेरा बाप? तुझे इससे क्या मतलब है? तेरा बाप कौन से हॉस्पिटल? अब की बार मारियो मत उसको, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम इससे बात कर, कौन से हॉस्पिटल में तेरा बाप? कौन से हॉस्पिटल में तेरा बाप? आईसीयू में या हॉस्पिटल में? ऑपरेशन हो रहा है, हो क्या रहा है? दवाई चाहिए, क्या चाहिए? तेरे बाप को हुआ क्या है, दिक्कत क्या है उसको तो बता, उसको बता क्या हुआ है? का है तेरा बाप हॉस्पिटल में? और कौन से हॉस्पिटल में तेरा बाप? कौन से हॉस्पिटल में? मैं तुझे क्यों बताऊं? अरे मेरे को मत बता, इसको तो बता जिससे पैसे मांग रहे, कौन से हॉस्पिटल का? कौन सी हॉस्पिटल में है? मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं फिर मारूंगा तेरे को। तेरे बाप कौन से हॉस्पिटल में? अभी तक तो उसको लेके नहीं गई, अब क्यों लेके जाएगी? हाथ ना मेरे को मत लगाया कर, मेरे को हाथ लगाएगी ना तेरी आंखें।
झूठ तो नहीं बोल रही ना, झूठ बोल रही है क्या? हाँ तो झूठ नहीं बोल रही तो पैसे बता कौन से हॉस्पिटल में तेरा बाप? नाम बता। बहुत देर से मार रहा है। तेरे बाप को क्या हुआ? आईसीयू में है, ऑपरेशन हो रहा है, दवाई क्या, इलाज क्या हो रहा है? ऑपरेशन किस चीज का हो रहा है? किस चीज का, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? मैंने तुम्हें बताया तो था। अबे तो अभी बताओ ना, दिक्कत हो रही होगी तेरे को बताने में। हॉस्पिटल का नाम बता दे, हम डॉक्टर को कॉल कर लेंगे वहाँ पे। अगर तू झूठ नहीं बोल रही तो बता कौन से हॉस्पिटल में तेरा बाप। अगर तू झूठ नहीं बोल रही तो ये बता तेरे बाप में क्या दिक्कत हो गई। थोड़ी ज्यादा ना गुंगी मत बन, बता भाई इधर आना है। तेरा बाप इस दुनिया में है कि नहीं? मरे हुए बाप के लिए तू पैसे मांग रही है? ले कर अपने बाप से बात। बाप आ गया। कहाँ है तेरा है? अबे बुरखा कहाँ है तेरा? बुरखा कहाँ है? है इस हालत में तू? है इस हालत में तू? बुरखा कहाँ है? है बुरखा कहाँ है? पहन के गई थी ना घर से तू? फिर आप तो कह रहे हो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आप तो कहते हो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ये कौन है? ये कौन है? इधर आ तू, इधर आ, यहाँ बैठ। है तुम तो कह रहे हो ऐसे कपड़े नहीं पहनती है? ये चश्मा भी लगा के आई थी। हटो हटो एक बारी भाई साहब, आपको दिखाऊं कैसे लुक में आई थी। लो और पैसे चाहिए कह रही है, मेरा बाप आईसीयू में है। कौन से हॉस्पिटल में? कौन सा आईसीयू में है? वाली साहब को मरे हुए तो 2 साल हो गए है? बाप मरा हुआ है, मरे हुए बाप के लिए पैसे चाहिए। मुझे पता नहीं बापा को मरे हुए 2 साल हो गए। एक मिनट, मैं गलत था ना? तुमने मुझे क्या बताया? तेरे को शर्म भी आ रही है? तू कौन सा काम कर रही है? कितना ले आई थी? और कौन सी जगह मजदूरी करते हो आप? घर में ना मजदूरी करते हो? हमारे ना, एक मिनट, कह रही है, कह रही मजदूरी करूंगा मैं। कह रही है कि मेरा भाई घर को देखता नहीं, जब से भाभी आई है तो घर का नाश कर रखा है। कहां से रही है तू? अगर मैं देखता नहीं, कहां से रही है? हैं बाप के मरने के बाद बाप बन के तेरे को खिलाया मैंने हैं? अब भाई साहब इसके पहले कपड़े पूछो, कपड़े कहां से चेंज करते हैं? ये कहां से आए कपड़े हैं? अबे कपड़े कहां से आए? ये आप इसको कुत्ते की तरह मार रहे थे। क्यों मार रहे थे भाई साहब? इसकी गिरेबान क्यों पकड़ रहे थे? इसकी गिरेबान है? खड़ी खड़ी हो जा, इधर आ, इधर इधर आ। ये बता तू बुरखा, एक बात बता इससे पहले, इससे ये पूछो इसका बाप कौन से हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? किसके बाप को मारी है दोबारा? इसका बाप कौन से हॉस्पिटल में? पूछो बाप को मार कर आई है तू? तेरा बाप जिंदा है? मरे हुए 2 साल हो गए। तेरा बाप जिंदा है कि नहीं? नहीं है ना तेरा बाप जिंदा? क्यों मांग? जब तेरा बाप जिंदा नहीं है तो तू क्यों कर रही है? मेरे बाप का ऑपरेशन है, मुझे पैसे चाहिए है? और तेरा बड़ा भाई यहाँ पे खड़ा है और तू झूठ बोल रही है? ये मैं पालता नहीं। तुम दोनों का बाप, ओए भाई, तुम दोनों का बाप अलग अलग है क्या? एक है तो फिर इसको समझाना मेरे पे क्या चिल्ला रहा है। तुझे पता नहीं है क्या? तुझे पता नहीं है यहाँ क्या कर रही थी तू? इसके पास कैसे मिलने आई? क्या कर रही थी बता चुपचाप? क्या करने आई थी? क्या करने आई थी तू यहाँ पे? चुपचाप बता दे क्या करने आई थी मेरे को? तू तो कह रही थी कि मैं बर्थडे में जा रही हूँ भाई है? क्या पहन के निकल गई थी? ये बुरखा पहन के, ड्रेस पहन के गई घर से? क्या पहन के निकल के गई है? बुरखा पहन के गई थी। बुरखा पूछू कहाँ है? बुरखा कहाँ है? बुरखा कहाँ है उतारा? बैग कहाँ है? बैग में? बैग कहाँ है? बाहर बैग कहाँ है जी? बैग तो लाई नहीं है, झूठ बोल रही है। पूछो कहाँ चेंज करा? अरे बैग लाई नहीं है जी। पूछो कहाँ चेंज करा? कहाँ पे चेंज करा था तूने? ड्रेस कौन सी फ्रेंड है या एक और भी बॉयफ्रेंड बना रखा है? सच बताओ तो अभी के अभी, सच बताओ कौन से फ्रेंड के घर पे उतार कर आई है? तुम लोग देख रहे थे कितना मारा मेरे को, देखा है ना आप लोगों ने? इसे क्यों मार रही थी? पैसे चाहिए बाप हॉस्पिटल में। पैसे किस चीज के? मेरे बाप को अगर कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? मरे हुए बाप को भी कुछ होगा। अब देखा तूने? इसको इतनी शर्म नहीं आ रही? मरे हुए बाप के लिए पैसे मांग रही है? इतनी मांग रही थी तू? ओए हाथ मत लगो, सॉरी, हाथ मत लगो। मुझे क्या, हमारे घर में किसी चीज की कमी है? मुझे क्या कह रहे हैं? नौकर मेरे जैसे? मैं इसको कह रहा था, इसको सुना रहा था मुल्टी सीधी। हमारे घर में 10-10 नौकर है, तुझे पता नहीं है? हैं पैसे करती क्या जब तुम्हारे पास इतना पैसा है? क्या करती है पूछो? अबे पैसों की कमी है। तुम तो कह रहे थे मेरी मेरी बहन क्लब नहीं जाती, हर हफ्ते 10,000 रुपए देता हूं। ऐसा थोड़ा इधर होके बात करो, आपकी बेटी का, जो आपकी बहन है उसकी शक्ल भी तो दिखे दुनिया को, देख कैमरा। अब बता तेरा बाप हॉस्पिटल में या मरा हुआ? बता ना ना, अभी भी दुनिया को भी तो पता लगे मरे हुए बाप के नाम पे पैसे ले रही है, कह रही है आईसीयू में, और बड़े भाई ने रंगे हाथ पकड़ रखा है, और घर से क्या पहन के निकली और यहाँ पे क्या कपड़े हैं वो भी देख लो भाई। मुझे बोल रहे थे ना कि तुम तो कह रहे थे भाई मैं तो बड़े भाई की जगह बाप हूँ उसका, ये बाप है भाई, तेरे नाम के पैसे मांग रही है क्या? हमारे पापा का नाम खराब कर दिया है भाई। मुझे तो लग रहा है भाई यही मर रहा होगा। मेरे को भी यही लग रहा है, जब यही मर रहा होगा मुझे लग रहा है भाई। तुम्हारे नाम के तो पैसे नहीं मांग रही थी,
जब तुम कह रहे हो कि मैं इसके बाप के बाप की जगह हूँ। पूरा मोहल्ला जानता है, आस पड़ोसी कितनी इज्जत करते हैं, बाहर निकल के सलाम करते हैं लोग, हैं? और तू यहाँ पे ये पैसे मांगती फिर रही है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता आस पड़ोसियों को पता चल गया किसी ने तेरे को बाहर देख लिया, हैं? क्या इज्जत रहेगी हमारे वाले साहब की? और पकड़ लो भाई साहब, क्या इज्जत रहेगी? हैं? वो कहेंगे कि बाप के मरने के बाद ऐसे पाल रहा था तू अपनी बहन को, हैं? मैंने सोचा चल छोड़, कोई बात नहीं, बच्ची है बच्ची है बच्ची है, हर चीज तेरी पूरी कर रहा हूँ मैं, है? आपकी पूरी करने के चक्कर में ओ भाई साहब, आपकी चक्कर में किसी और की जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। इसको तो आज तक यही लगा कि इसका बाप हॉस्पिटल में है, इसको तो आज पता लगा है कि इसका बाप इस दुनिया में है ही नहीं। मेरे को एक बात बताओ, कोई इंसान अपने मरे हुए बाप के लिए पैसे कैसे मांग सकता है? मैं तो ये सुन के हैरत में हूं। करेंगे थूकेंगे मेरे पे, ये देख तेरी बहन बाहर क्या करती फिर रही है, हैं? जितने भी आते सब सलाम करते हुए आते हैं नहीं हमारे घर? हाँ भाई, हम ही गलत है। अब तो तुम्हारी बहन ठीक थी, अब तक अभी भी ठीक है भाई। हाँ। अभी भी ठीक कर रहे हैं भाई साहब, बैठे बैठे अपनी बेटी बहन है बेटी है समझ ही नहीं आ रहा। भाई जैसे शिक्षा देंगे वैसी मिलेगी ना भाई, दिख रहा है? यहाँ मेरा कॉलर पकड़ा जा रहा था, मुझ पर हाथ उठाया जा रहे थे, इसको तो हाथ नहीं लगा रहा कोई। मैं लगाऊंगा तेरे हाथ, मैं लगाऊंगा भाई हाथ इसको, इसको मैं लगाऊं हाथ, बताओ कर लिया क्या? अरे भाई जो करना है घर पे करना ना, हमारे सामने तो ज्ञान मत फैलो। मैं एक काम करो इसको, अबे छोड़ ना, आज पता लग गई ना सच्चाई। भाई मेरे को मार रहा है, मैं उसको बता। कोई बात नहीं, इसकी औकात इतनी थी, इसकी इतनी इज्जत थी, इसकी औकात तो कुछ है भी नहीं। इसके इसके ये इतने ही दिन थे तेरे से फ्री के खाने के, खा लिए इसने। इसको 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 खड़ा कर इसको लेके जाए यहाँ से, इसको खड़ा कर लेके जाए यहाँ से, लेके जाए इसको, लेके जा इसको, लेके जा इसको, आज के बाद दिखनी नहीं चाहिए ये। और इसका ये ले, इसका लेके जा, लेके जा। बकवास कर रहा है साला, पूरा एक साल झेला हूँ भाई मैं उसको। कोई नहीं तू अब रो के क्या होगा, रो क्यों रहा है? चल कोई नहीं, आज तेरे को सच्चाई तो पता लगी कम से कम, उसकी नहीं लगती सच्चाई फिर क्या करता भाई? मुझे, मैं उसको बुरा भरोसा करता था भाई। कोई नहीं रो मत, अभी रोएगा मतलब खुद को कमजोर करेगा, आज पता लग गया ये ठीक नहीं है, शादी के बाद पता लगता तो बहुत बेकार होता भाई। तो अभी तो ये कि चल ठीक है कुछ बुरा होने से चल कहे कि कुछ ठीक हुआ। कोई नहीं रो मत चल, कोई नहीं घर चला जा आराम से जा, कोई नहीं आराम से है, घर पहुंच के मैसेज कर दियो है, ठीक है? पता नहीं यार, जो 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 सब कुछ था आप सभी के सामने था, पूरी वीडियो थी आपकी सभी के सामने थी, बस इसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको रोकना है किसी भी तरीके से, अगर वो चीज़ गलत हो रही हो। और बस आप सभी के साथ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो बस सब्सक्राइब कर दो, फ्री का बटन है, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करा तो ज़रूर फॉलो करना। और भाई जितने लोग ना मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं और रियल लाइफ में मिलते हैं मेरे साथ, तो वो मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं कि भाई आप ना वीडियो में कुछ और दिखते हो और सामने कुछ और हो, वीडियोस में आप एकदम गुस्से वाले लगते हो और सामने आपसे बढ़िया इंसान कोई नहीं, ऐसे मैं हमेशा सुनता हूँ। और मेरे करीबी भी यही कहते हैं कि जैसे हमारे साथ बैठता उठता है अभी अलग है और वीडियो में अलग है। तो भाई देखो ये मेरा काम है, जितना मैं अच्छा कर सकूंगा उतना अच्छा करूंगा, और जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही रहता हूँ मैं भी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना बाकी जान पहचान करने के लिए, जितनों को मेरे साथ प्यार है मतलब मोहब्बत है, ठीक है? और ऐसे ही मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।